अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। जीटीबी इंक्लेव है और जीटीबी इंक्लेव में आपको पता है कि कल 10 तारीख है, 10 मई, जी हाँ, ऐतिहासिक दिल्ली का दिन है क्योंकि 10 मई को बहन कुमारी मायावती जी इस प्रांगण में आ रही है, इस ग्राउंड में आ रही है जो कि जीटीबी इंक्लेव का ये रामलीला ग्राउंड है। और रामलीला ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देख रहे हैं कि बहन जी के आने के लिए यहाँ पर टेंट वगैरह लगा दिया गया है, उनका पीछे मंच लगा दिया गया है और यहाँ पर सारे परिवार सपा और बीएसपी के दोनों ही यहाँ पर किस तरीके से प्रोग्राम किया जाए। आप दिल्ली प्रभारी हैं और आपके ही देख रेख में ये सारे काम हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं कल? यहाँ पर लाखों लोग इधर पहुँचेंगे जी, क्योंकि पूरी दिल्ली में एक ही प्रोग्राम बहन कुमारी मायावती ने दिया है जी। मतलब पांच हमारे कैंडिडेट हैं, पांचों मतलब सातों लोकसभा से लोग आएंगे, जहाँ कैंडिडेट नहीं वहाँ से भी लोग चल कर आ रहे हैं जी, अपनी बसों से, मोटरसाइकिल से, मेट्रो से, बस से, जिसको जैसे साधन मिलेंगे वो लोग आएंगे। सीपी सिंह जी, एक सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी दिल्ली है और दिल्ली देश का दिल है और यहाँ पर सिर्फ बहन जी की एक ही रैली, ऐसा क्यों? एक्चुअली पूरे देश में चुनाव है, बहन जी बहुत ज़्यादा व्यस्त है जी, और दिल्ली में मात्र 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जी, लोकसभा क्षेत्र हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मतलब एक ही प्रोग्राम यहाँ दिल्ली को देने का निर्णय लिया है जी। हम तो चाहते थे ज़्यादा प्रोग्राम हो, मगर उनकी व्यस्तता के कारण उन्होंने एक ही प्रोग्राम दिया है, इसीलिए उनको यदि एक दिया तो उसी को से हमें संतुष्टि करनी पड़ी। कितने लोग आ सकते हैं आपके अनुमान? मेरे अनुमान से लाखों लोग इधर पहुँचेंगे और लोगों के पास और भी काम है, मगर फिर भी अपने नेता को सुनने के लिए लोग इधर पहुँचेंगे जी। तो ग्राउंड तो छोटा नहीं, पर छोटा तो है, अगर नहीं फिर जो जो 7 लोकसभा है, 7 लोकसभा के अगर सारे वोटरों को गिना जाए तो एक लोकसभा में तकरीबन 20 लाख के आसपास है। वोटरों के हिसाब से तो वोट भी नहीं पड़ता है, नहीं वोट नहीं पड़ता है, पर लोग तो बहन जी को देखने के लिए भी बहुत आ जाते हैं। बहन जी को देखने के लिए जो आएंगे वो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, उसी तक यहाँ पर पहुँचेंगे जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो बहन जी को देखने आएगा वो वोट भी देगा? हाँ बिल्कुल देगा, और वो उनकी चाहत है तो मतलब वो बिल्कुल 100% यहाँ पर आएंगे जी। जो आएंगे तो उनका इंतजाम हम लोगों ने किया, उसकी चिंता नहीं है जी। तो क्या लगता है कि 5 सीटों में से कितनी सीट बीएसपी के खाते में? पांचों जीतने के पोजीशन में मतलब हैं, पांचों के जीतने के लड़ रहे हैं आगे, तो मतलब जो क्योंकि देश का नागरिक को, यहाँ के लोगों को, वोटर को उसका फैसला करना है, मगर हमारी चाहत मतलब जो 5 की 5 सीट जीतने। और क्या कारण है कि ईस्ट दिल्ली में ही यहाँ पर जीटीवी हॉस्पिटल के सामने वाले ग्राउंड में ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं? कारण तो है इसका, इसके पीछे क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे मतलब वोटर परसेंटेज भी रहा है। एक हमने सबसे पहले यहाँ से निगम पार्षद का भी खाता यहाँ से खोला, एक विधायक का भी यहाँ का खाता खोला, तो इन सब चीज़ को क्योंकि जब हमारा वोटर बैंक जहाँ ज़्यादा है और जहाँ लोगों की चाहत ज़्यादा है तो उसको ध्यान में रखते हुए मतलब इसी ग्राउंड को चुना। वैसे तो और भी मतलब कोशिश किए थे मगर वो ग्राउंड वहाँ खाली नहीं मिले, तो इसलिए मतलब ये ग्राउंड खाली मिला तो उसी को हम लोगों ने मतलब करने का नहीं। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि बहन जी बाई रोड आएंगी या बाई एयर यहीं इसी ग्राउंड में आएंगी? नहीं, वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहाँ से बाई रोड इधर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।